अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लाई हूँ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। हमको पहले जो है नॉर्मल साइज़ लेना है, ये बच्चों का 10 इयर्स 11 इयर्स का है ये। इसका जो है शोल्डर और आर्म होल हम 6 6 रखेंगे, चेस्ट जो है हम 8 रखेंगे, 16 है इसका। 1 इंच मार्जिन रखेंगे इसका, और लेंथ हम लोग देखिए 14 आ रही इसकी तो हम 15 रखेंगे। नेक जो है 2 हाफ पे रखना है, बैक नेक 2 हाफ और फ्रंट नेक जो है 5 रखना है, या 4 हाफ भी रख सकते हैं आप। देखिए इसकी बॉडी कट चुकी है फ्रंट बैक, और ये स्लीव्स है, और इसका जो है हम घेरा कट करे हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये लाइनिंग का है इसीलिए मैं जो है इसकी लाइनिंग अलग से कट करके जॉइंट कर ली। मेरे पास ये ओल्ड साड़ी थी तो मैं इसके लिए जो है मेरे पास लाइनिंग का कपड़ा भी निकल गया, तो मैं फ्रॉक बनाने के लिए कट कर ली। वाइट बैकग्राउंड है इसको तो वाइट लाइनिंग ही दे रही हूँ मैं। देखिए हम इस तरीके से इसको जॉइंट कर लेंगे। आपको अगर कपड़ा नहीं संभल रहा तो आप बॉल पिंस लगा के अटैच कर ले सकते, इसके बाद स्टिच कर लेना। हम यहाँ नेक को मैं जो है पाइपिंग लगा रही हूँ, जिससे हमको एलिगेंट लुक आएगा माशाल्लाह से। इस पर ये कलर के फ्लावर्स है तो मैं रानी कलर की जो है पाइपिंग दे रही हूँ। स्लीव्स को भी हम ऐसी पिंक कलर की, डार्क पिंक की पाइपिंग देकर जो है पफ स्लीव्स बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लुक आएगा उसका।
7x7 का पिंक कलर फैब्रिक लेके आप जो है इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना। उससे जो है फिर उसको हमको सीधा करना पड़ेगा। मैं मेरे पिछले फ्रॉक पे भी बताई थी आप लोगों को बो बनाने का, उसी मेथड से हम बो बना लेंगे। मैं ये बो जो है फ्रॉक को अटैच करूँगी, एक बटन लगा रही हूँ मैं इसको। देखिए बो लगाने के बाद हम जो है एक हुक लगाएंगे फ्रॉक को। इंशाल्लाह मैं इसका फाइनल लुक बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुआओं में ख़ास याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।